छोटे बच्चों को यदि किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते तो है नहीं, यदि इनको प्रॉब्लम होती है तो वो रोने लगते हैं। यदि उनकी प्रॉब्लम को कोई समझ सकता है तो या तो उनकी माँ समझ सकती है या फिर डॉक्टर समझ सकता है। तो इसी तरह की बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम कोलिकेट ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। कोलिकेट ड्रॉप क्या है, इसके कॉम्पोजिशन, इसके यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। बच्चों की प्रॉब्लम को समझना बहुत ही कठिन बात होती है। यदि कोई प्रॉब्लम उसकी समझ सकता है तो वह उसकी माँ समझ सकती है। और सबसे ज़्यादा अगर यदि बच्चों में प्रॉब्लम होती है तो उसको पेट की प्रॉब्लम होती है। यदि पेट की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस कोलिकेट का यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। ये पेट से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम में यूज़ हो जाता है और आप इसका बेझिझक अपनी इस पर ट्रस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में कोलिकेट ड्रॉप है, ये कोलिकेट ड्रॉप का ब्रांड दिया गया है। ये बताएगा इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं। ये 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है ये बच्चों के लिए ड्रॉप के रूप में। और ये बताएगा ये 30 ml के उसमें आती है। ये बताएगा इसमें क्या क्या आप इस किस काम में इसको बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोलिकेट लिखा हुआ है। और चलिए इसकी कंपनी की बात करें तो ये मेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसकी MRP मैन्युफैक्चरिंग एवं इसकी एक्सपायरी के बारे में बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 9/2018 और एक्सपायरी 8/2020 है। इसकी MRP की बात करें तो ये 84 रुपये की एक ड्रॉप आती है। थोड़ी सी महंगी जरूर है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आप अपने बच्चों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। चलिए इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें सिमेथिकोन एमल्सन होता है 30% और सिमेथिकोन 40 mg होता है। इसमें डिल ऑयल होता है इसमें 0.005 ml होता है और फेनल ऑयल होता है इसमें 0.0007 ml होता है। तो इस तरह से इसमें कॉम्पोजिशन है। ये सारे कॉम्पोजिशन बच्चों के लिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह या पेट में दर्द की प्रॉब्लम के लिए ही यूज किए गए हैं। तो आप इस तरह से यदि आपको बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो ये 30 ml की पैकिंग में आती है और इसकी पैकिंग काफी अच्छी है। और अंदर इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये 30 ml की ड्रॉप सिरप है और इसके साथ में एक ड्रॉप भी दिया गया है ताकि आप अपने बच्चों के लिए इस ड्रॉप को दे सकें। और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो मैं आगे के यूजेस बता दूंगा मैं आपको लिए कि बच्चों के लिए किस तरह से इस ड्रॉप को देना है। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके बच्चों में पेट से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। क्योंकि बच्चों में पेट के में दर्द हो रहा है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपके बच्चों का पेट फूल रहा है जैसे अफरा बोलते हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपके बच्चे लेटरिंग नहीं जाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन उसमें आप इसका यूज कर सकते। पेट में बच्चों के लिए किसी तरह की सूजन की प्रॉब्लम होना एवं बार बार बच्चों के लिए हिचकी आने की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं आप बच्चों के लिए वो हजम नहीं हो पा रहा ठीक तरह से, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए इसको ड्रॉप को देके यूज पेट से संबंधित प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 1 माह से 6 माह तक के बच्चों के लिए 5-10 ड्रॉप दिन में 4 बार दे सकते हैं और 6-12 माह के बच्चों के लिए 10-20 ड्रॉप दिन में 4 बार दे सकते हैं और 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 20-25 ड्रॉप दिन में 4 बार दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में बच्चों को ये ड्रॉप देना है। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। आपके बच्चों के लिए नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, स्किन में रेसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको बच्चों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, पेट में दर्द की प्रॉब्लम है, यह बच्चा लेटिंग नहीं जा रहा है 2-4, 5-10 दिन से, तो आप इस ड्रॉप का यूज करके ये पेट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।